आपने एक चीज बोली थी कि आ, अगर पैसा बड़ा लगा के हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस डूब जाता है तो दोबारा हम पैसा नहीं ले सकते अपने पेरेंट्स से सेम मेरे साथ हुआ सर मैंने एक पिज्जा मतलब पिज्जा का शॉप खोला था बहुत बड़ा वो बंद हो गया अब फैमिली दोबारा स्टार्टअप के लिए अगर मैं फंडिंग लेता हूँ तो मानते नहीं है तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि यू नीट टू बी वेरी बैलेंस इन योर डिसीजन या तो अभी दस लाख का रुपया ले लो फिर दस लाख तक सूखा करो या आज एक रुपया लो कल सौ रुपया लो फिर हजार रुपया लो करेक्ट और कभी कभी आप ना अपनी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना बंद करो आपकी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना आज से बंद करो क्योंकि इट इज वेरी इजी तो टू ब्लेम ऑन पेरेंट्स जब आप पहली बार शराब पीने गए थे तो माँ बाप से पूछा था जब पहली बार किसी को छेड़खानी करने गए तो नहीं पूछा ना तो व्यापार में भी अपने परिवार का इन्वॉल्वमेंट कम रखो क्योंकि उनके ख्याल तीस पैंतीस साल पुराने हैं और आज की जिंदगी बहुत बदल गई है भारत इंटरनेट के आने से भारत नहीं बचा है भारत भारत इंडिया हो चुका है तो उन चीज को समझो आप और अगर नहीं पैसा है तो कम से चालू करो ये धंधा चालू करने के लिए कभी पैसा नहीं चाहिए धंधे को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए धंधा चालू तो करो फिर ग्रो करोगे व्यापार चालू करने के लिए कभी किसी को पैसा चाहिए ही नहीं व्यापार को दस गुना बीस गुना पचास गुना बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है तो ये बहानेबाजी बंद करो आपने अपने चाय को बेचने से पहले अपने शर्म को बेचा एक इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो शायद बहुत लोगों को बहुत फायदा हो मैं आपको बड़े शांति से सुनना बड़ी सही चीज बताऊंगा मैं आपको हमारे देश में वो लोग मान सम्मान पाने के लिए अपनी जिंदगी बिता देते जिसका सच में कोई व्यक्तिगत ऐसा कर्म नहीं है जिसको उनको नेचुरली सम्मान मिले मेरे कितने ही मासा जी, फुआ जी मामा जी है उनको शादी में अगर उनका इन्विटेशन में नाम ना लिखो तो वो ऐसे फूफा फूफ हर जाते हैं मानो उन्होंने कोई संपत्ति दे रखी हो मुझे वो सम्मान ही किस काम का जो मांगना पड़े और दूसरी चीज किस चीज की शराब है भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हें पता है तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए तुम्हारा सपना है घूमने का तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का तो इसमें शर्म किस बात की क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा भाई खुजली तुमको है ना कोई बोल रहा है भाई दो आस्ते आज देखो मैं आपको रास्ते बताता हूं जिंदगी के ये जिंदगी है आपकी मैं मैं यहां से बताता हूँ ये जिंदगी है आपकी आपको कुछ भी नहीं आता है आपको फाइव स्टार होटल में चेक इन करते नहीं आता है आपको बोर्डिंग पास निकालते नहीं आता है आपको बोलते नहीं आता है आपको सोशल मीडिया चलाते नहीं आता आपको कुछ भी नहीं आता है करेक्ट आपको कुछ नहीं आता है मान रहे हो आपको कुछ नहीं आता है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो राइट पेड़ आगे लेके स्वीकार करो कि मुझे नहीं आता है आज से मैं हर दिन सीखूंगा या तो यू टर्न ले लो और चद्दर डाल के बिस्तर पे सो जाओ तुम्हें कोई उठाने जाने वाला नहीं है दो ऑप्शन है आपके पास और एक चीज में बताता हूं वेन यू नो वेन यू नो यू डोंट नो यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग समझ आई जब आपको पता है कि आपको नहीं पता है तो आप सीखोगे नहीं तो हमारे देश में अलग चलता है बाप को सिखाएगा तेरे से ज्यादा पता है बाप को सिखाएगा उसको नहीं पता है ये एरोगेंस में छोड़ो हमें विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है हमें विद्यार्थी बनने की जरूरत है हमने बहुत सिखाया सौ साल पहले हमारे दादाओं ने हमारे गुरुओं ने पूरी दुनिया को सिखाया क्योंकि उन्होंने सीखा उन्होंने पढ़ा तो सिखाया आज इस देश को अपने सौ साल पुराने कर्मों की वजह से अगर पीठ थपथपानी पड़ रही है तो ये दुर्भाग्य है इस देश का ये दुर्भाग्य है हमारा मेरे दादा एमपी थे मेरे दादाजी ने वो किया अरे तूने क्या किया मेरे फूफा जी महाराष्ट्र के मिनिस्टर है मेरे दादाजी ने ये बिल्डिंग बनाई थी मेरे फूफा जी ये करते हैं अरे कब तक लोगों के चक्कर में अपने सम्मान मान को ढूंढोगे किसी ने आईफोन बनाया स्मृति मैम आपने खरीदा आप खुश हो गए ये स्टीव जॉब्स भैया ने बना दिया आपने यूज किया आपने खरीदा आप खुश हो गए आप स्टोरी डालते हो ना स्नैपचैट पे फोर्टीन मैक्स प्रो किसी ने जूता बनाया तुमने दस हजार का जूता खरीदा तुम खुश हो गए किसी ने ये माइक बनाया हम चिल्ला चोट कर रहे हैं तुम खुश हो रहे हो किसी ने स्क्रीन बनाई तुम देख रहे हो तुम खुश हो रहे हो तुमने क्या बनाया कि दुनिया खुश हो रही है तुमने कुछ बनाया क्या चाय बनाओ यार समोसा बनाओ कुछ तो बनाओ कि लोग खुश हो कब तक उपभोग बन के कब तक कस्टमर बन के अपने आप को गौरान्वित महसूस कराओगे कभी क्रिएटर तो बनो